टेंथ क्लास बेटे, आज हम आपके सिलेबस की फोर्थ पोएम शुरू कर रहे हैं। पोएम का नाम है रजिया द टाइग्रस। देखिए बेटे, टाइग्रस मतलब एक शेरनी का नाम है रजिया। द प्रेजेंट पोएम स्केचेस बिफोर द रीडर अ वर्ल्ड ऑफ फास्ट डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ थ्रेटनिंग द वाइल्ड लाइफ अराउंड अस। इस पोएम में बेटे रीडर के सामने मतलब पढ़ने वाले के सामने एक ऐसे संसार की बात की गई है जिसमें फास्ट मतलब जल्दी से लुप्त हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि थ्रेटनिंग मतलब खतरा है। खतरा है किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगली जीवन के लिए, जो हमारे अराउंड अस मतलब चारों तरफ हैं। रजिया द टाइग्रस इज़ वरीड फॉर हर पार्टनर। जो रजिया है, वो जो शेरनी है, वो अपने पार्टनर को लेके बहुत चिंतित है। वरीड मतलब चिंतित है। एंड टू कब्स हु लाइक मैनी अदर टाइगर कब्स, और अपने दो बच्चों को लेके, जो बाकी जो टाइगर के बच्चों की तरह क्या है, आर इन डेंजर ऑफ बीन पोस्ट। पोस्ट मतलब शिकार किया जाना, एंड किल्ड, जिनको खतरा है कि उनका शिकार ना कर लिया जाए और उन्हें मार ना दिया जाए। उन दोनों को, बच्चों को लेकर भी वो चिंतित हैं और अपने पार्टनर को लेकर भी चिंतित हैं। द पोएम आल्सो शोज हाउ मैन हैज़ असर्ब ऑल अराउंड ऑल लैंड एंड हाउ ही हैज़ प्लंडर्ड हिज नेचुरल रिसोर्सेज। इस पोएम में इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह जो आदमी है उसने सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर भी। This has threatened both the wildlife as well as human life and environment. ये जो है वाइल्ड लाइफ के लिए भी खतरा है और उसी तरह से ह्यूमन लाइफ के लिए भी और वातावरण के लिए भी। मतलब इस पोएम में हमें बताया गया है कि किस तरह आदमी जो है, मैन ने, ह्यूमन बीइंग जो है, अपने जो स्वार्थ के लिए उसने वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि उसने जहाँ पर जंगली जीव रहते थे वो जमीन चा करने की कोशिश की है। देखे बेटे, पोएम है फर्स्ट स्टैंजा देखे। द टाइग्रस रजिया लिव्स अलोन। जो टाइग्रस है रजिया, जो मादा भाग है मतलब रजिया जो है वो अकेली रह रही है। हर टू कब्स हैवंट येट बीन नेम्ड। उसके जो दो बच्चे हैं उनका अभी तक नाम भी नहीं रखा गया, मतलब उसके बच्चे इतने छोटे हैं। शेरू बियरली प्लेड विद देम। शेरू उसके शेर का नाम है, हस्बैंड का नाम है, वो बड़ी मुश्किल के साथ ही अपने बच्चों के साथ खेला होगा। एंड नाउ ही हैज़ गोन, और अब वो चला गया है। ओ व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। फर्स्ट स्टैंजा समझ आ गया बेटे। सेकंड देखें, शेरू वाज एन एक्सपर्ट ऑन विंड्स। जो शेरू था, हवाओं के बारे में उसे बहुत जानकारी थी। एक्सपर्ट मतलब वो माहिर था। न्यू ही, वो जानता था हाउ दे ट्रांसवर्स डेल एंड हिल, कि किस तरह से जो हवाएं हैं वो घाटी और पहाड़ी के ऊपर घूमती रहती हैं। एंड वेयर दे पुट अप फॉर द नाइट, और रात को वो किस जगह आराम करती हैं, मतलब हवाएं। व्हेन नो लीव स्टिर, जब कोई भी पत्ता, लीफ मतलब पत्ता, हिल नहीं रहा होता। एंड ऑल वाज स्टिल, जब सब कुछ शांत होता है। ठीक है, थर्ड स्टैंजा देखिए। ही न्यू हिज विंड्स देयर टेरिफिक लेंस। वो जानता था हवाओं को भी और उनके बहने के रास्ते को भी। ही न्यू द डियर वुड स्मेल हिम आउट। वो ये भी जानता था कि किस तरह जो डियर मतलब हिरन जो हैं, वो हिरनों के झुंड जो हैं उसके सूंघ कर मतलब उसकी सुगंध को देख लेंगे, सूंघ लेंगे, और वो उसके बारे में जान लेंगे कि हिरन जान लेंगे कि शेर आ रहा है तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। वो जानता था इफ़ दे वर डाउन विंड, अगर यदि वे पवन के बहने की दिशा में किसी जगह पर हुए, मतलब जहाँ हवाएं बह रही है अगर वो उसी जगह पर हुए तो उनको उसकी स्मेल जो है, हिरनों को उस शेर की स्मेल आ जाएगी और वो उसके बारे में जान लेंगे। इसलिए वो क्या करता था बेटे, सो ही वुड बैली क्रॉल। वो पेट के बल जो था वो चलता था, रेंगता था। क्रॉल मतलब रेंगता था, एंड क्रॉन्च मतलब रेंगते हुए और दुबकते हुए। क्या करता था, टेक अ लॉन्ग सर्कुलर रूट, एक जो था लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा, सर्कुलर मतलब घुमावदार, रूट मतलब रास्ता अपनाता था। हिडिंग बिहाइंड बुश एंड श्रब, वो क्या करता था, हिडिंग मतलब छिपता था, किसके पीछे, झाड़ियों के पीछे, पत्तों के पीछे वो छिपता हुआ।
वहाँ से चलता था। वंस ही न्यू, जब वो एक बार इस बात का उसे पक्का विश्वास हो जाता, ही सेंट पॉन्ट कैरी, कि उसकी जो सुगंध है अब हिरनों तक नहीं पहुँचेगी। इन अ फ्लैश, एकदम से वो, ही वुड इरप्ट, इरप्ट होता है उछल पड़ना, वो उछल पड़ता था। चार पैरे बेटा आपको कराए हैं, ये ध्यान से देखो बेटा, एक बार फिर से कर लेना आप, ठीक है।